हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मित्तल टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने अमेजोन पे से गोल्ड को परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अपने बताया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेजोन ऐसा फीचर लेके आने वाला है जहां पे आप लोग अमेजोन के थ्रू कितना भी सोना जो है वो परचेज कर सकते हो, उसके बाद उसको सेल आउट करके सारा पैसा जो है वो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो वो फीचर लॉन्च हो चुका है। मैं सोच रहा था आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है इस फीचर के बारे में तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फीचर बताने वाला हूं, क्या आपको इससे फायदा होने वाला है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ में आप लोगों को बताऊंगा क्या आप लोग अपने Amazon Pay बैलेंस को इससे ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, Amazon में एक ऐसा फीचर दिया गया है जहां पे आप लोग सेफ गोल्ड परचेस कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये सेफ गोल्ड होता क्या है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बाहर जाते हैं और सोना खरीदते हैं, गोल्ड आप लोग खरीद लाते हैं, तो वो आप लोगों का होता है फिजिकल गोल्ड। लेकिन जो यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है वो आप लोगों को मिलने वाला है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड का मतलब ये होता है कि एक तरह से वो सोना ही होता है, लेकिन वो आप लोगों का डिजिटल ही होता है, फिजिकल नहीं होता, क्योंकि जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते। आप लोगों का एक वॉलेट दिया जाता है, उस वॉलेट में वो चीज आप लोगों की पड़ी रहती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सोने की रेट जो है वो कम तो जल्दी बहुत कम होती है, बढ़ती ही रहती है। तो अगर आप लोग सोना खरीद के रखना चाहते हैं तो आप लोग इसको रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये फीचर Amazon की तरफ से है, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना यहाँ पे आप लोगों का जो सोना है वो यहाँ पे सेफ रहेगा। जो आप लोगों ने अमाउंट लगाया है वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहने वाला है, क्योंकि कोई आप लोग थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फेक ऐप जो है वो फेक निकल जाती है, जिसकी वजह से आपका लॉस होने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों का कोई भी लॉस होने का खतरा नहीं है, क्योंकि ये Amazon की तरफ से है, तो 100% सेफ है। इसका एक फायदा ये भी है, आप लोग बाहर जाते हैं, आप लोग सोना परचेस करते हैं, तो आप बाहर किसी को कहेंगे कि मुझे 10 रुपए का सोना चाहिए, मुझे 50 रुपए का सोना चाहिए, तो वो आपको लात मार के निकाल देगा कि हम लोग इतने का सोना नहीं देते। लेकिन यहाँ पे डिजिटल में आप लोगों के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 5 रुपए से लेके 50 लाख तक का यहाँ पे जो गोल्ड है वो परचेस कर सकते हो और अपने वॉलेट में उसको सेव करके रख सकते हो। तो काफी अच्छा फीचर है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूं अब आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को अपने Amazon ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद जैसे आप लोग उसको ओपन करेंगे, अपना अकाउंट उसमें आप लोग क्रिएट कर लेंगे, वहां पे आप लोग जाएंगे तो नीचे आप लोग जो है Amazon Pay का आप लोग के पास एक ऑप्शन आएगा, Amazon Pay वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करके नीचे जाते हैं तो आप लोग के पास एक ऑप्शन आएगा इंश्योरेंस का, उसके अंदर आप लोग के 3-4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप लोग का एक ऑप्शन होगा वॉलेट का, गोल्ड वॉलेट का ऐसे करके एक ऑप्शन होगा, बस आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हैं, वहां पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दो ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप उसको सेल कर सकते हैं। तो बाय का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आप लोगों को कितने का परचेस करना है। मान लीजिए आप लोगों को 50 रुपए का परचेस करना है, या 100 का करना है, या फिर 200 का करना है, तो आप लोग अपना अमाउंट को वहां पर डाल देंगे। जैसे आप लोग अमाउंट पर डालेंगे, वहां पर आप लोगों को उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को उसको ओके कर देना है। उसके बाद नीचे आप लोग के पास एक ऑप्शन आएगा, आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, वहां पे आप लोगों से मांगा जाएगा अपने आप लोग क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू जो है वो पेमेंट करनी है आप लोगों को, वो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और वहां पे आप लोगों का सक्सेसफुल हो जाएगा और जो पैसा है वो गोल्ड के रूप में आप लोगों के वॉलेट में जो है वो सेव हो जाएगा। अब आप लोगों को उसको सेल आउट करना है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग बिटकॉइन के केस में करते थे, हम लोग सेल कर बाय करके रख लेते थे, उसके बाद जैसे उसकी प्राइस बढ़ती थी तो हम उसको सेल कर देते थे, लेकिन वो था कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम लोग या लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम लोग रखते थे। लेकिन गोल्ड की प्राइस आप लोगों को पता है इतनी जल्दी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोल्ड को बाय करके रख लेंगे, रखने के बाद आप लोग 24 घंटे बाद उसको सेल कर सकते हो। अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग 24 घंटे बाद उसको सेल कर सकते हो, आपको कुछ परसेंट जो है वो टैक्स लगेगा, उसके बाद सारा का सारा अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग इसको सेव करके रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसको आप लोग बाय करके रख सकते हैं जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइस इंक्रीज एक दिन होनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में सोना जो है वो महंगा होता जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना, तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बाय करके अपने वॉलेट में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे इसकी प्राइस जो है ज़्यादा होती है और आप लोगों को लगता है कि अब मुझे इसको सेल आउट कर देना चाहिए, तो कुछ परसेंट का टैक्स देके आप लोगों को उसको सेल आउट कर दीजिए और सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए पैसा कमाने का भी जो है वो साधन बहुत अच्छा है ये, और उसको आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे Amazon ने दिया है। तो अगर आप लोग इसको सेल करना चाहते हैं तो बाय के बगल में आप लोगों को एक सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां पे कितने का आप लोगों को सेल करना है वहां पे वो अमाउंट आप लोगों को डालना है। आप लोगों को समझ लीजिए आप लोगों ने 100 रुपए का खरीदा तो 100 का ही आप लोगों को सेल करना है, तो आप लोग वहां पे अपना अमाउंट डाल देंगे, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के आगे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाएगी या यूपीआई की डिटेल मांगी जाएगी, किसमें आप लोगों को अपना पैसा
पैसा चाहिए तो आप लोग अपने UPI की डिटेल जो है वो वहाँ पे फिल आउट करके आप लोग जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ से 15 से 20 सेकेंड या 1-2 मिनट में आप लोगों को जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। कभी कभी UPI की ट्रांजेक्शन में टाइम लग जाता है तो आप लोग वेट कर लेंगे, 24 घंटे में आप लोगों का पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में डेफिनेटली आ जाएगा। तो यही फीचर है अमेजोन की तरफ से जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं तो मैं एक एक करके उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, लोगों को यहाँ पे कुछ कंडीशन रहती है कि हमें कुछ मिनिमम अमाउंट परचेस करना पड़ेगा या फिर इतना ही परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में कंडीशन होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। आप 5 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक कितना भी गोल्ड यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 500 का ही या फिर 1000 रुपये का ही मिनिमम परचेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। तो आप लोग 5 रुपये से लेके 5 लाख तक या फिर जितना मर्जी आप लोग परचेस करना चाहे उतना मर्जी परचेस कर सकते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्या हम अपने अमेजोन पे से गोल्ड को परचेस कर सकते हैं और अपने अमेजोन पे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों की रहती है, ये ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं। क्योंकि अमेजोन पे को आप लोगों को पता है हम लोग जो है बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो हम लोग किसी पेमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लोगों का रहता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, पहले के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम लोग अमेजोन पे से भी याला फीचर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोग अमेजोन पे से गोल्ड को परचेस कर सकते हो, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई फीचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। तो आप लोग अमेजोन पे से अपने गोल्ड को आप लोग परचेस नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग अपने UPI या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड ये सब से ही आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं। और जब भी आप लोग सेल आउट करेंगे तो आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल या UPI डिटेल वहाँ पे फिल कर दीजिए, सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अमेजोन पे का कोई रोल नहीं है, आप लोग अमेजोन पे से इसको नहीं खरीद सकते हो। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है अमेजोन की तरफ से, अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। 100% सेफ मेथड है अगर आप लोग चाहते हो अपने पैसों को डबल या ट्रिपल करना आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आप लोग में पेशेंस है, आप लोग इंतजार कर सकते हो तो आप लोग उसको गोल्ड को परचेस करके रख सकते हो अपने वॉलेट में, और जैसे इसकी प्राइस में हाइक होता है, इसकी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ती है, तो आप लोग उसको ईजिली सेल आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी वो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल या कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।